फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और जी, बच्चे हमारे दोनों स्कूल चले गए हैं। सुबह का काम झाड़ू का तो हो गया, पोछा भी रह रहा है। और मैं नहा ली हूँ। मैंने कान्हा जी को भी नहला लिया है। और अभी ना मैं करूँगी पूजा, कान्हा जी को भी पूजा में बताऊँगी पहले, और मैं खुद भी पूजा करूँगी, और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता, मैं भी और कान्हा जी भी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम पूजा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी है सुबह सुबह का टाइम, और मम्मी जी ने ना कल अपना सर धोया था, तो कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि जो मम्मी सर में मालिश वालिश कर देते, तो कल मम्मी ने फिर बोला भी नहीं मुझे एक बार भी। और कल कुछ मतलब पूजा के चक्कर में ना थोड़े से बिजी हो रहे थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो आज मम्मी सुबह सुबह बोल रही थी, जब मैं नीचे से आई थी तो मम्मी बोल रही थी कि आज ना अभी ठंडा सा मौसम है, अभी इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है, और मेरे सिर पर ना अच्छे से मालिश कर दे। तो मैं गोड़ के तेल से करवाती है मम्मी, या फिर सरसों के तेल से करवाती है। तो अब गर्मी है तो ठंडा है मौसम, गोले का तेल ठंडा ही होता है। तो अब मैं उसकी अच्छे से मम्मी के सिर में मसाज करूँगी, जिससे कि मम्मी के ज़्यादातर सिर में भी दर्द रहता है। तो जब भी हम ऐसी वो होती है, दवाई के साथ साथ ना मसाज का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मम्मी के सिर पे अच्छे से मसाज कर दो, हफ्ते में एक दो बार तो कर ही देती हूँ अच्छे से, तो काफ़ी आराम लगता है। अब मम्मी और मम्मी के जो बड़े बेटे हैं, ये ना अपने सर में तेल भरपूर रखते हैं, मतलब सिर में तेल की कमी बिल्कुल नहीं होने देते, काफ़ी अच्छे से मालिश कराते हैं दोनों के दोनों ही। तो पहले मैं मम्मी ये करूँगी, जो वो बोल लेंगे तो फिर मैं उनके सिर पे भी मालिश कर दूँगी। देखिए, आज ही अपने नाखून काट रहे थे तो मैं मम्मी जी भी बैठी थी, तो मम्मी जी के पैरों के ना काफ़ी बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं। इन्होंने कई बार बोल भी लिया, पर मम्मी भी ना आलसा कर दिन ना मैं नहीं काटती, तो आज इन्होंने अपने आप ही नहीं कटर उठा लिया है, और मम्मी जी के सारे नाखून काट रहे हैं पैरों के, जितने बढ़ रहे हैं। और अंगूठे का ना मम्मी जी का एक ऊपर का नाखून गल ही रहा था, तो उसके नीचे दूसरा आ रहा था, उसे सारे को ही काट रहे। और देखिए, मतलब अपनी अम्मा का कितना ख्याल है, अपनी अम्मा की पूरी सेवा पानी चल रही है, तो बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया जा रहा है, अपने हाथ से नाखून काटे जा रहे हैं। और देखिए जी, इतना ना होना चाहिए माँ बाप के प्रति, इतना प्यार, इतनी प्रभाव होनी चाहिए हर किसी बच्चे के लिए। ये बात लगती है मेरे लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है कि माँ बाप का इतना ख्याल, इतना रखना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो भी इसी तरह से ख्याल रखते हैं कि बच्चों के नाखून बढ़ गए हैं, उन्हें काटने हैं, या बच्चों के कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, बच्चों का ख्याल रखते हैं खाने का, पीने का, पहनने का। जिस तरह से बच्चे छोटे होते हैं जब पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, उसी तरह से ना जब माँ बाप थोड़े से बड़े हो जाए हमारे पेरेंट्स, तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए, उनकी पूरी सेवा पानी करनी चाहिए, उनके नाखून का, उनके खाने पीने का, उनके पहनने का, उनकी दवाइयों का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है, और मैं इनमें ये आदत देखती हूँ ना, तो मैं यही मतलब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों में भी ना हमारे प्रति ऐसी ही आदर भावना हो, और इस तरह से ही वो हमारा भी ख्याल रखे, जिस तरह से हम अपने बड़े की, अपनी अम्मा की, अपने पापा जी की रखते थे, तो अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने बड़ों का सेवा पानी करते हैं, उसी तरह से वे हमारे भी करें। हो गया है दोपहर के खाने का टाइम, ये तो खैर जल्दी नहा के आ गए थे ऊपर, तो अभी थोड़ी सी देर तक इन्होंने पहले बैठ कर बात वगैरह की,
अपनी मसाज करवाई, नाखून काटे, ये सारे काम किए हैं। तो अभी मैं दूंगी इनको खाना। तो पहले तो मैं सलाद काट रही हूँ। सलाद में जो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्याज ही है, हरी मिर्च है, नींबू है। तो खीरे वगैरह तो अभी आ नहीं रहे यहाँ पे हमारे यहाँ, हमने सुने नहीं है काफ़ी दिनों से खीरे नहीं आ रहे अभी। तो प्याज ही है, क्योंकि आज बनाई है दाल चने की और उड़द की दाल, मिस्सी दाल, उसके साथ ना प्याज जरूर चाहिए। सलाद के बिना ना मुझे दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फटाफट से काटते हैं मम्मी जी के लिए, इनके लिए भी, भाई साहब के, यही तीन बंदे हैं और बच्चे अभी जा रहे हैं स्कूल, तो वो स्कूल से आके खाएंगे दोनों। तो खाने में बनी है दाल, दाल मैंने डाल दी है, मट्ठा मैंने जो जीरे से छोका हुआ है, एक गिलास मट्ठा लेंगे और अचार दूंगी मैं हींग का, दाल के साथ ना हींग का अचार और अरवी के साथ, हींग का अचार ही अच्छा लगता है। तो हींग का अचार तो ये भी खा लेते हैं, वंश भी खाता है। अभी फिलहाल वंश तो एक दिन से नहीं खा रहा है, क्योंकि उसके नज़ले की प्रॉब्लम हो रही थी, वरना ज़्यादातर बच्चे और हम हींग का ही अचार खाते हैं, और लगता भी बड़ा अच्छा है, बहुत टेस्टी लगता है। तो जी प्लेट थाली मैंने इनके लगा दी है, अभी इन्हें खाना दूंगी, फिर मम्मी जी को दूंगी। सलाद तो दोनों मतलब इसी में ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों एक ही खाट पे बैठे हैं, तो दोनों इसमें से ही खा लेंगे। बस मम्मी की थाली लगा के ला रही हूँ मैं अभी। शाम के बज गए हैं 6, दूध तो मैंने निकाल लिया है दोनों का, गाय का भी और भैंस का भी। और वंश देखिए पढ़ाई कर रहा है, नीचे बैठा हुआ है, अब मम्मी जी बैठी है, ये आ ली है खेत में से। और मैंने ना यहाँ टंकी में पाइप लगाया है, नीचे का टैंक ना मतलब पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी में ये लगाया हुआ है पानी भरने के लिए। और इस पाइप में कितने फॉल्ट हैं, हद से ज़्यादा फॉल्ट हो रहे हैं। देखिए ये मतलब ये पाइप लगाया हुआ तो एक पार्ट तो कितनी लंबी धार, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ जाकर गिर रही है। तो ये पानी इधर जा रहा, एक यहाँ हो रहा। तो कहने का मतलब ये है पाइप भी हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कितनी ही जगह से इसे प्लास्टर भी कर लिए, फिर भी जगह जगह से ना ये लीकेज हो रहा, तो इसे भी चेंज करवाना पड़ेगा, एक खर्चा ये भी है। और आज हम जा रहे हैं छत का मुआयना करने के लिए, दोनों छत पे जाएंगे, इधर कच्चे वाली छत पे भी और ऊपर लेंटर पे भी। तो ये कह रहे थे कि देख के आओ बारिश होली, हमने जिस पर मट्टी डाली थी ना वो मतलब डले फूटे हैं या नहीं। और मम्मी भी आ रही, वंश भी आ लिया है, इसी वंश आया टफी को लेके उसे घुमाने के लिए, और मम्मी भी आ ली। डड़े तो कहीं नहीं फुटे फुटाए हैं, कौन फोड़े भाई, हमारे बस के तो फोड़ने नहीं, ये फुटेंगे अब नहीं। जब हम फोड़ने को कह रहे थे, नु कह रहे थे फोड़ने की जरूरत ना है ना, ये तो बारिश होंगे, बारिश में गल जाएंगे। अरे उधर देखिए वो घास है, तुम हाँ बताओ, वो नहीं खोदाएंगे चढ़ा छत पे, बीच में घास है। और वो तो पड़ी छत पे तो गड्ढा भी कर रखा टफी ने, गड्ढा तो उतना मुंदा खाइए तुमने, हाँ एक आप भी कर रखा खूट पे वहाँ से, बता गड्ढे भी कर रखे है इस छत पे घास है, हाँ छतड़े पे। और देखो परी परी किस पे भी होने लगा, ये रहा हाँ फावड़ा फेंक गए, ये रे वहाँ गड्ढा कर रखा तो भर दूँगा, परे तू कहाँ से लगाएगा वहाँ, चला जाऊंगा मैं ना मुंडे पे जाऊंगा, मुंडे उस वाली छत पे कर रखा तभी ना बहुत गड्ढा कर रखा, तब वहाँ फावड़ा दो तो तू जाएगा खराब हो जाएगी छत, तो खुद जाके ले आना, चोट खाओगे इधर कैसे पकड़ रहा, मुझे तेरा जाने का डर लग रहा, मुंडेर भुका रहा कहाँ जाके मुंडेर, तो फिर के बच्चे तू सारे में वो कर दे, अब भाई परख ना हो जाए, देख रहा है भी बारीक सी वो मुंडेर, आराम से जा, हाँ देख कितना गड्ढा कर रखा इसने, और जब तू चला गया तो घास सभी फाड़ दिए, इधर से ले मोटे मोटे डले से मुंडे ना पड़ा है, देखिए इधर से ले टीन के बराबर में से मोटे मोटे डले, इन्हें ही फोड़ दे, तो फिर तूने बहुत नुकसान कर रखा छत पे, हैं नुकसान ही कर रहा है, गड्ढे गड्ढे कर रहा है, हाँ तो कहीं डायट्रीन कर रहा है कहीं गड्ढे कर रहा है, देखिए हाँ मट्टी तो भते रही पर ये फूट नहीं रही, मट्टी तो भते रही, हाँ नीचे को तो बैठ रही, एक तकड़ी सी बारिश हो गए, एक कच्ची छत का भी बस कच्ची छत बड़े मुसीबत है,
बरसात के पीछे घास हो जा फिर घास हो जा घास बहुत ये तो है ही अभी घास से पीछे छुटा भाई यही रह रही दो छत हाँ यही तो है रही एक ही और एक वो यही दो छत रह रही चिन्ह और तो सारा कहना हो ही गया भाई यही रह रही आवेगा इनके भी कभी भाग जागेंगे नहीं तो कह रही इनके भाग कभी जाग जा तो बहुत बुरा भाग कहते नहीं कैसे कह रहा है कहावत है कुड़ी के भी जाग गए 12 साल में 12 साल में तो कुड़ी के भी भाग जाग जा बावड़िया में उसके भी दिन उसके बाद भी निकल जा तो ये भी कभी होंगे पक्के चलो चलो घूम लिए भते अब्बा ये खड़े अब्बा उनका जिक्र हो रहा है तेलियों में अब्बा जाऊँ के देखना है हैं जाऊँ देखना है पुलिस ही पुलिस कही है हाँ कोई बात नहीं मैं मुझे तो पुलिस बनना देख लूँगा क्या को कक्का को तो देख यार पूछ लूँगा थोड़ा कक्का करूँ आगे अभी गया प्रधान भी वहीं अम्मा अम्मा का मुंह लगा दिया कि हाँ बता से कैसी लड़ाई बजी जो एक तो मरी गया और एक घायल है तो जी गांव में आई है अभी एक पुलिस की गाड़ी एक क्या दो तीन गाड़ी आई होंगी मैंने तो दो तीन तो हुई थी हाँ दो तीन बार सुनी मैंने मगर पुलिस की गाड़ी आ रही है तो बैंक की होगी हाँ या पुलिस की होगी हाँ हाँ बैंक में भी तो ऐसी बहुत सी जा हाँ तो अभी बच्चे बाहर से आए हैं और बच्चे वे बता रहे हैं कि गांव में ना जो तेली है तो तेली में आपस में लड़ाई बच गई है एक तो मर गया और एक तो उसमें मर गया लड़ाई में मर गया एक घायल और एक पूरी तरह से घायल है तो वंश भी बोल रहा है कि मैं भी देख करा पुलिस ही पुलिस हो रही हूँ पता नहीं गांव में भी बस ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं इतने तो जा रहा क्या जा तो देखिया तू भी तो ये देखिए नीचे मम्मी जी है मामा जी हैं तन्नू के पापा हैं और वंश है सब नीचे बैठे हुए हैं ये टॉफी भी नीचे है और रैक से ऊपर ये देखिए रैक से ऊपर से देख रहा है कि नीचे कौन बोल रहा तो वो नीचे से ही ऊपर से मुआयना करता रहा नीचे का तो अभी आई हूँ मैं छत पे ही ऊपर झाड़ू पर लेके आई हूँ और रास्ते में ना मतलब बहुत सारे आदमी बोलते हुए जा रहे हैं मैं देख रही थी उनको वो सब उधर ही जा रहे होंगे जहाँ पे लड़ाई हुई है मैंने आपको बताया अभी कि तेलियों में मतलब ज़्यादा लड़ाई हो गई तो बंसर भी वहीं गए हैं दोनों बच्चे भी हमारे